हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज दुबे और आप लोग स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेनू एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहेगा आप लोगों को, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर कि फ्रेंड्स जो आप लोगों का सेशन रहेगा वो क्या रहेगा, तो आप लोग देख रहे हैं हिंदी व्याकरण क्या रहेगा। तो आप लोगों का जो सेशन रहेगा वो हिंदी व्याकरण, मतलब कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा वो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों का फोर एग्जाम, जैसे कि आप लोगों को ये जितने भी आप लोगों को टॉपिक ये कराएंगे, तो आप लोगों को जैसे आप लोग सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन और ये व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पर्सनली आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा अभी बिहार बोर्ड 2024 के लिए फ्रेंड्स, ये क्या ये रिलेटेड रहेगा बिहार बोर्ड 2024 के अकॉर्डिंग आप लोगों को हिंदी हम पढ़ाएंगे। तो हिंदी में आप लोगों का टॉपिक जो रहेगा फ्रेंड्स वो क्या क्या रहेगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वर्णमाला, और सेकंड क्या है संधि, संधि क्या होता है इसके बारे में, समास क्या होता है, लिंग क्या होता है, क्या होता है वचन, क्या होता है कारक, क्या होता है इसमें आप लोगों को, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, ऑलमोस्ट इसमें टॉपिक टोटल कितना है, तो ऑलमोस्ट टॉपिक इसमें आप लोगों को बहुत सारे है देख रहे हैं यहाँ पर, कम से कम 31 टॉपिक है, क्या है 31 टॉपिक है इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओनली फॉर यूपी पुलिस के रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। जितने भी स्टेट पुलिस है सबका क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके लाया हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला की, वर्णमाला क्या होता है इसका परिभाषा जानेंगे, टॉपिक क्या है तो वर्णमाला है इसका हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। तो फ्रेंड्स से आप लोग देख रहे हैं कि वर्ण जो माला होता है, वर्ण जो माला होता है वो क्या होता है, वर्णों को व्यवस्थित क्रम होता है, क्या होता है जो वर्णमाला होता है वो वर्णों का क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे वर्ण का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, वर्ण का मतलब जैसे क हो गया ख हो गया, इसका एक क्या होता है, इसका व्यवस्थित एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, डेट इज कॉल्ड क्या हो गया आप लोगों को वर्णमाला हो गया। और वर्णमाला में क्या पूछा जाता है, वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वर्ण का मतलब क्या होता है दोस्त मित्रों, तो क्या होता है अक्षर होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है बबुआ, तो वर्ण का मतलब जो होता है आप लोगों को अक्षर होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। अक्षर का परिभाषित कोई पूछेगा कि अक्षर क्या होता है, वर्ण तो हो गया जिसको तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं अक्षर कहते हैं। अब बात हुआ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा होता है दोस्त, जो भाषा आप लोगों को होता है उसका जो छोटी इकाई होता है वो क्या होता है, भाषा के सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है या ध्वनि होता है, वो ध्वनि यानी कि जो बोल रहे हैं आप वो क्या हो गया भाषा की एक छोटी इकाई है, वर्ण क्या है ये भी भाषा के एक छोटी इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट लाया हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, हैंड राइटिंग के नोट से है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका पढ़ाई कर लिया हूँ, वही चीज इसको अचीव करने के बाद आप लोगों को ये क्या कर रहे हैं हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको पढ़े। क्योंकि देखिए ये जो मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा हूँ कहीं ना कहीं टीचर के ही रिलेटेड पढ़ा हूँ, जो भी टीचर हमको पढ़ाए हैं उसके ही रिलेटेड हम पढ़े हैं और इसका नोट्स बनाए हैं, तो वही नोट्स को मैंने पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्मेट में करके
सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ भी इसको क्या करें, हम शेयर करें। ये जो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऑलमोस्ट इंडिया के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें आप लोगों को हिंदी पूछा जाता है, तो उसमें आप लोग ये क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ाई करके जाएंगे, जरूर आप लोगों को क्वेश्चंस फंसेगा ही फंसेगा, ठीक ना। तो ऑलमोस्ट यही टॉपिक के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्या होता है, आप लोगों को पूछा जाता है। बट यहाँ पे आते हैं, मूव ऑन करते हैं टॉपिक पर, और बात करते हैं यहाँ पर कि भाषा के सबसे छोटी सार्थक इकाई, जो सार्थक इकाई जो होता है वो क्या होता है, शब्द होता है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जो लिखने मतलब जो लिखित होता है वो इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। वर्ण का मतलब कि जैसे आप लोग को ये सब आप लोग पढ़े होंगे, वो क्या हो गया, वर्ण हो गया, ठीक ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। बात समझ में आया बाबूआ? यहाँ पे देखो बाबू क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई यानी कि बोलने ध्वनि होता है, क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो ध्वनि होता है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बबुआ यहाँ पे हम देखते हैं क्या, तो बबुआ यहाँ पे हम देखते हैं क्या, देखते हैं कि वर्ण के भेद, अब जो हम पढ़े हैं वर्ण, इसका भेद को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखेंगे कि वर्ण का भेद क्या होता है। तो बबुआ यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या, वर्ण दो प्रकार का, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, और एक होता है क्या, स्वर हो गया व्यंजन हो गया, क्या हो गया, दो हो गया वर्ण के भेद, एक स्वर हो गया एक क्या हो गया व्यंजन हो गया। बात समझ में आया होगा। स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या होता है आप लोगों को, तो स्वर होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ठीक ना, बड़ी ई हो गया, बड़ी उ हो गया, री हो गया, ये सब क्या हुआ आप लोगों को, ये जो स्वतंत्र है क्या है, ये स्वतंत्र वर्ण है, ठीक है, ये स्वतंत्र वर्ण है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। बात समझ में आया। अब व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बना है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बना है वो क्या होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन होता है, क्या होता है, जैसे क, क जो है क्या क्या चीज से बना है, क प्लस अ, यानी कि क जो है वो अ का क्या ले रहा है, सहायता ले रहा है, तब क्या बन रहा है, क बन रहा है। यहां तक आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा बाबू, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर, अब बात करेंगे हम यहाँ पे स्वर कि स्वर क्या होता है, क्या बात करेंगे स्वर के बारे में, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्वर, स्वर क्या होता है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, जैसे आप लोग कोई शब्द लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं, तो लिखने के आधार पे स्वरों की जो संख्या होता है वो 11 होता है, और बोलने के आधार पे स्वरों की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बउआ कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है, तो 10 होता है। बोलने के आधार पे स्वरों की संख्या कितना होता है, 10 होता है, और लिखने के आधार पे स्वरों की संख्या कितना होता है आप लोगों को बच्चे, तो कितना होता है, तो 11 होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और बात हुआ यहाँ पढ़ रहे हैं हम स्वर, तो स्वर के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो स्वर के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्वर, अब स्वर के प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे स्वर का प्रकार हम देखते हैं, ठीक ना, कि स्वर कितने प्रकार का होता है, तो जो स्वर होता है वो कितने प्रकार के होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्वर यहाँ पे 3 प्रकार के होता है, एक इस वो स्वर हो गया, एक दीर्घ स्वर हो गया, एक क्या हो गया, प्रलुप्त स्वर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब बात हुआ यहाँ पर क्या, इस वो स्वर का मतलब क्या होता है, इस वो स्वर का मतलब होता है बोलने में कम समय लगे, जैसे कोई शब्द को हम, कोई वर्ण को हम बोलते हैं और उसमें कम समय लगता है, यानी कि कम भार देना पड़ता है, कम समय में ही हम उस शब्द को क्या करते हैं, हम बोल देते हैं,
वो क्या हो गया, ईश्व स्वर, क्या हो गया, तो ईश्व स्वर हो गया, क्या हो गया। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा वो टेक्निकल इश्यू हो गया था, ठीक ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ईश्व क्या चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे स्वरों के प्रकार, स्वर का जो प्रकार होता है ईश्व, ईश्व का मतलब क्या होता है, जब कोई शब्द यानी कि जब कोई वर्ण को बोलने में क्या लगता है, कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, ईश्व स्वर कहते हैं। जैसे में अ ई उ री, ये क्या हुआ, चार हुआ। कोई पूछेगा आप लोगों से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईश्व स्वर कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा आप लोग, चार होते हैं, ठीक ना। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है कि ईश्व से दोगुना समय लगे, ये जो शब्द बना है ये शब्द से क्या दोगुना समय लगता है, वो क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। जैसे में आ हो गया, ई हो गया, बड़ाऊ हो गया, ये सब क्या हो गया, ये दोगुना समय इसमें लग रहा है, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। कोई पूछेगा आप लोगों को कि दीर्घ स्वर्ग या संयुक्त स्वर्ग कितने होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, तो 7 यानी कि 7 होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, बच्चे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि प्लुप्त, प्लुप्त स्वर का मतलब क्या होता है, ईश्व स्वरों से 3 गुना समय, इसमें क्या लगता है, दीर्घ स्वर में 2 गुना, और क्या ईश्व स्वर से क्या होता है, 3 गुना समय, क्या होता है, 3 गुना समय लगता है, ठीक ना, 3 गुना समय लगता है। जिसको खींच कर बोला जाए, जिसको क्या खींच कर बोला जाए, जैसे में राडम ओडम, ये सब क्या हुआ आप लोगों को, प्लुप्त स्वर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, जो भी क्वेश्चंस दिया गया है मित्र, यहाँ पे क्या, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो ये सबसे क्वेश्चन से आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट नहीं पूछा जाता है, बट आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे जीव के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। जैसे में अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और पच्च स्वर हो गया, ये सब क्या किया गया है, तो जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये मुख के आधार पर संयुक्त हो गया, अर्धयुक्त हो गया, ये क्या हो गया, विवृत स्वर हो गया, अर्ध विपरीत स्वर, ये सब क्या किया गया है, मुंह के ओठ के आधार पर ये स्वरों को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो इतना क्वेश्चन से आप लोगों को, जैसे आप लोग 10th के एग्जाम दे रहे हैं या 12th के दे रहे हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन से नहीं पूछा जा सकता है, ठीक ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी पूछा जाएगा तो ये सब उतना आप लोगों को क्वेश्चन से आता नहीं है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक ना, ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ने की कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है, ये जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है बच्चे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीज होता है मैं यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितना होता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया स्वर, स्वर कितना होता है, तो स्वर जो होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, तो जो स्वर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 11, ठीक है। और क्या है, अव्ययोः 11, ठीक है। अव्ययोः, योग्योः मतलब कि वर्णों की जो संख्या के आधार पे आप लोगों को बांटा गया है। अयोग्याः, अयोग्याः जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये है उसिप्त, उसिप्त जो होता है वो 2 होता है। संयुक्त जो मतलब कि वर्ण होता है वो कितना होता है, 4 होता है। और व्यंजन टोटल कितना होता है, तो आप लोगों को 33 होता है। ऑलमोस्ट टोटल जब आप लोग काउंट करेंगे तो क्या होगा, तो 52 होगा, ठीक ना। ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कि मतलब कि दिमाग में रहना चाहिए कि वर्णों की जो टोटल संख्या होता है कितना होता है, तो 52 होता है, ठीक ना। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हिंदी वर्णमाला,
हिंदी वर्णमाला आप लोगों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसमें आप लोगों को क्या है, टोटल पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं, ठीक ना। ये स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन, ये सब कोई नहीं है पढ़ने के। अब देखो यहाँ पे कुछ देखो क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी हो या कोई आप लोग स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक ना। इसमें ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त, क्या उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे कंठ, कंठ का उच्चारण स्थान क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये सब क्या हो गया, आप लोगों का कंठ का उच्चारण स्थान हो गया। जैसे तालव गया, यानी कि तालु जो होता है इसका क्या हो गया, च हो गया उच्चारण स्थान, देख रहे हैं यहाँ पर च छ ज हो गया, ठीक ना। और मूर्धन्य का जैसे ट हो गया, इसका उच्चारण स्थान ट ठ ड ढ हो गया ना। यहाँ तक आप लोगों को दंत, दंत जो दांत से जैसे बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, त हो गया। ओठ, ओठ का उच्चारण स्थान प हो गया। ये सब आप लोगों को दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य का ए होता है, ए होता है, ठीक है। कंठोष्ठ का क्या होता है, ओ होता है, अ होता है, ठीक है। दंतोष्ठ का क्या होता है, अ होता है उच्चारण स्थान। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो वर्णमाला होता है ये छोटी मोटी चीज है, वर्णों के बारे में क्या किया जाता है, उसमें आप लोगों को ज्ञान किया जाता है, वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो क्या हो गया, आप लोगों को वहां तक वर्णमाला को आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे बात करेंगे संधि, संधि क्या होता है, संधि के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, तो संधि को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो देखो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल होता है। संधि का मतलब क्या होता है, जो संधि होता है उसका मतलब होता है, संधि का मतलब होता है आप लोगों को मेल होता है। संधि का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को मेल, यानी कि कोई अधूरा शब्द है तो उसको मेल करा करके उसको पूरा किया जाता है, ठीक ना। दिस इज कॉल्ड आप लोगों को संधि। अब यहाँ पे हम बात करेंगे परिभाषा, संधि का परिभाषा के लिए, तो दो वर्णों को या ध्वनियों को मेल को क्या कहा जाता है, संधि। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल में दिया है, विद्यालय, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले, यानी कि आ आ इसमें क्या किया जा रहा है, मेल करा रहा है, ठीक है। विद्या प्लस आले तब क्या बन रहा है आप लोगों को, विद्यालय। अब बात यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि संधि क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर कि संधि के प्रकार, क्या करेंगे, संधि के प्रकार कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि आप लोगों को तीन प्रकार के होते हैं, कितना, आप लोग तीन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग संधि देख रहे हैं बच्चे कि संधि कितना होता है, तीन प्रकार के होता है बबुआ, कितना होता है बबुआ, तीन प्रकार के संधि होता है, ठीक ना। यहाँ पे पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा क्या हो गया बबुआ, जो दूसरा हो गया वो क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया, और तीसरा जो हो गया विसर्ग संधि हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्वर संधि, स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि किसे कहते हैं, कोई परिभाषा पूछे क्या बताइएगा आप लोग। जो स्वर संधि होता है वो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी कि दो स्वरों के मेल को क्या बोला जाता है बच्चे, स्वर संधि बोला जाता है। और यहाँ पे व्यंजन संधि जो होता है ये क्या होता है कि दो व्यंजनों के मेल, दो व्यंजनों के मेल या एक स्वर और एक व्यंजन के मेल जब रहेगा वो क्या कहा जाएगा आप लोगों को बच्चे, तो आप लोगों को व्यंजन संधि कहा जाएगा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि दो व्यंजनों या दो वर्णों के मेल या एक स्वर या एक व्यंजन के मेल को क्या बोला जाता है बच्चे आप लोगों को, तो व्यंजन संधि आप लोगों को बोला जाता है। अब बात हुआ है यहाँ पे विसर्ग,
विसर्ग, विसर्ग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब बात हुआ है आप लोगों को विसर्ग कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। ये जो परिभाषा होता है कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है परिभाषा, ठीक है बच्चे। आप लोग 10 के एग्जाम दे रहे हैं, 12 के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप लोगों को परिभाषा पूछा जा सकता है, ठीक है। बट आप लोग जैसे आप लोग जो सोच रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परिभाषा आप लोगों को नहीं पूछा जाता है, आप लोग ऐसे शॉर्ट में भी आप लोग परिभाषा को याद करिए, ठीक है। जैसे आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है विसर्ग संधि, यानी कि विसर्गो यानी कि विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग हो गया, इसके मेल को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, बराबर। यहां तक समझ में आया होगा बच्चे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ बबुआ, क्या देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे, ठीक ना। ये चीज पढ़ना जरूरी है, ये सब क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार मैंने तो पढ़ा था, संधि या संधि में तीन प्रकार होते हैं, और उसमें जो तीन होते हैं स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं। जो फर्स्ट होता है स्वर संधि, वो स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो पांच होते हैं। कितने होते हैं बबुआ, तो पांच होते हैं। कितना स्वर संधि के प्रकार जो होते हैं पांच होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। सेकेंड जो होता है क्या होता है, गुण स्वर संधि। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, तो वृद्धि स्वर संधि। और जो चौथा होता है वो क्या होता है, फोर्थ यण स्वर संधि। और जो फिफ्थ होता है यानी पांचवा जो होता है वो क्या होता है, यादि स्वर संधि। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बबुआ कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जेक्टिव में, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो बउआ यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है कि स्वर संधि के प्रकार जो भी है पांच है, तो ये आप लोगों को क्या करना है होमवर्क में, इतना आप लोगों को याद कर लेना है बउआ, ठीक है, होमवर्क में। और आप लोगों को आज इस सेशन को एंड करूंगा, और कल से जो भी इसके आगे है आप लोगों को क्या करेंगे हम, तो कल से जो भी आगे है सिस्टम में वो क्या करेंगे, प्रसारित करेंगे, ठीक है। तो जब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करें, आप लोग अपने दोस्त में शेयर करें। और जब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं बउआ, तो आप लोग बउआ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं हमको कि आप लोगों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या आप लोगों को समझ में न आ रहा है, ठीक है, ये सब आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करेंगे, और जब अच्छा लगे तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।